पूछ, कैसे हो बेटा? बढ़िया, चलो ठीक है। तो आज हम करेंगे बेटा, दैट इज LED, लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, लाइट एमिटिंग डायोड छोटा सा टॉपिक है, यही करेंगे हम आज, क्योंकि मैं टॉपिक आपको इकट्ठे भी करवा सकता था, लेकिन मैं आपको एक एक टॉपिक ये भेज रहा हूँ, राइट। इसके बाद मैं आपको सबसे पहले मैं आपको फोटो डायोड भेजा, फिर अब हम LED कर रहे हैं, इसके बाद सोलर सेल है। छोटा टॉपिक है, लेकिन एक एक टॉपिक रोज का एक पढ़ना है, क्योंकि अगर आप इकट्ठे पढ़ोगे तो कन्फ्यूज हो जाओगे। ठीक है, क्लियर। तो LED क्या है हमारे पास? दैट इज लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड है क्या? अ स्पेशल हैवनली डॉप्ड PN जंक्शन डायोड। ध्यान से सुनना, एक तो ये स्पेशल है, दूसरा क्या है? हैवनली डॉप्ड है। तीसरा क्या है? ये PN जंक्शन डायोड है, विच एमिट स्पॉन्टेनियस रेडिएशन। स्पॉन्टेनियस मतलब लगातार रेडिएशन जो है वो एमिट कर रहा है व्हेन फॉरवर्ड बायस्ड। व्हेन फॉरवर्ड बायस्ड, ये बातें आपने याद रखनी है। बहुत सारी बातें हैं, एक ही डेफिनेशन में बहुत सारी बातें हैं। जो फोटो डायोड किया था वो हमने रिवर्स बायस में किया था, राइट, वो भी स्पेशल PN जंक्शन डायोड था, राइट। अब इसमें क्या है, लाइट एमिटिंग डायोड में ये भी एक स्पेशल बट हैवनली डॉप्ड, मतलब इसमें डॉपिंग बहुत ज्यादा है, PN जंक्शन डायोड, विच मीन्स स्पॉन्टेनियस रेडिएशन व्हेन फॉरवर्ड बायस्ड, दैट इज नोन एज LED। ये लाइट को एमिट कर रहा था, फोटो डायोड क्या कर रहा था, उसमें लाइट जब पड़ रही थी तब उसमें से करंट निकल रहा था। इसमें क्या है, ये क्या हो रहा है कि जो लाइट एमिटिंग डायोड है इसमें से लाइट एमिट हो रही है। अब ये डेफिनेशन पता चल गई, लाइट एमिटिंग डायोड जो है डैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। क्या कर रहा है ये? कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी, राइट। ये LED का काम, ये तो पता ही है, LED से लाइट निकल रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट कर रहा है, ये लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। ओके, ये बात क्लियर होगी, चलें आगे। अब जो लाइट एमिटिंग डायोड है इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, ये नोट कर लिया आपने? ओके, अब लाइट एमिटिंग डायोड की जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं लाइट एमिटिंग डायोड को, वही कि इसको गोल कर दो, यहां से ये बना दो ऐसे, ये PN जंक्शन डायोड, ये बन गया आपके पास, इसमें से लाइट एमिट हो रही है, इसमें से आपने बाहर क्यों भेज रहे हैं, एरो जो है वो बाहर क्यों, पहले में क्या थे, अंदर की तरफ थे, पता चल गया। तो LED को हम ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो है, दैट इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ LED, इसमें एरो हमारे बाहर की तरफ जाते हैं, ठीक है, क्लियर। अब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आपने कर ली, अब हमारे पास क्या होता है, जो एनर्जी गैप होता है इन विजुअल स्पेक्ट्रम, राइट, वो डिसाइड करता है कि वेदर डायोड कैन एक्ट अ फोटो डायोड और नॉट। जो एनर्जी गैप है विजुअल स्पेक्ट्रम में, वो हेल्प करता है कि हमारे पास ये फोटो डायोड बनने के काबिल है या नहीं, राइट। तो LED जो है, जैसे LED भी बहुत सारी होती है, जैसे गैलियम आर्सेनिक ये हमने यूज किया हुआ है, सेमीकंडक्टर गैलियम आर्सेनिक, तो इसमें जो एनर्जी गैप होता है वो नियर अबाउट 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, EG कितना होता है, 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसमें एनर्जी गैप इतना होता है। और ये इंफ्रारेड रेडिएशन एमिट करती है, क्या करती है, इंफ्रारेड रेडिएशन एमिट करती है। जो LED जिसको हम गैलियम आर्सेनिक से बनाते हैं उसमें एनर्जी गैप 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के नियर अबाउट होता है अप्रॉक्सीमेटली, और वो इंफ्रारेड रेडिएशन एमिट करता है। ऐसे ही अगर आपने LED गैलियम आर्सेनिक फास्फोरस की भी बनाई, अब मैंने तीन यूज कर लिए, गैलियम आर्सेनिक और फास्फोरस, राइट, इसमें एनर्जी गैप जो होता है वो होता है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, एनर्जी गैप के अकॉर्डिंग हमारा जो स्पेक्ट्रम है वो पता चलता है, तो ये क्या एमिट करेगी, रेड लाइट एमिट करेगी। ये कौन सी लाइट एमिट करेगी, रेड, ठीक है, मतलब एनर्जी गैप के अकॉर्डिंग हमारी जो LEDs हैं वो, आपने देखा हो ना कि कोई LED रेड कलर की लाइट एमिट कर रही है, कोई येलो की एमिट कर रही है, कोई ब्लू की एमिट कर रही है, वो क्यों एमिट कर रही है, क्योंकि उसमें एनर्जी गैप उसके कॉरस्पॉन्डिंग है, राइट। तो इसलिए गैलियम आर्सेनिक जो है उसमें एनर्जी गैप 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, गैलियम आर्सेनिक फास्फोरस में एनर्जी गैप 1.9 है, तो एक इंफ्रारेड के दे रही है लाइट, एक क्या दे रही है, रेड लाइट। ऐसे ही डिपेंडिंग अपॉन कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स,
राइट। तो हमारे पास डिफरेंट कलर्स की एलईडीज जो हैं वो हमारे पास आ जाती हैं। अब समझ में आई कि वो क्यों डिफरेंट कलर होता है, कि वो एनर्जी गैप के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब इसकी वर्किंग, अब इसकी वर्किंग आपने ध्यान से सुनी। ठीक है, वर्किंग क्या है इसकी? वर्किंग, वर्किंग को आपने ध्यान से सुनना है। जब पीएन जंक्शन डायोड को हम फॉरवर्डाइज करते हैं, वरना पीएन जंक्शन डायोड इज फॉरवर्डाइज, ध्यान से सुनना। जब हम पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बायस करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इंजेक्टेड टू पी साइड ऑफ द जंक्शन, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, है ना, ये हम इसको फॉरवर्डाइज करते हैं। मान लो ये हमारे पास पी टाइप है और ये क्या है, एन टाइप। हमने इसको क्या कर दिया, फॉरवर्डाइज कर दिया। तो पी को पॉजिटिव के साथ, एन को नेगेटिव के साथ, ठीक है, राइट। यहां पर होल्स होते हैं, यहां पर क्या होते हैं, माइनॉरिटी कैरियर्स भी होते हैं, यहां पर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, माइनॉरिटी कैरियर्स ऐसे ही होते हैं। हमने फॉरवर्ड बायस कर दिया, ये फॉरवर्ड बायस, क्योंकि हमने फॉरवर्ड बायस में इसको यूज करना है, फॉरवर्ड बायस में यूज करते हैं। अब जैसे ही आपने इसको फॉरवर्ड बायस किया, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरफ को आ रहे हैं, होल्स इस तरफ को जा रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स है, ध्यान से सुनना, व्हेन द पीएन जंक्शन डायोड इज फॉरवर्ड बायस, द इलेक्ट्रॉन्स इंजेक्टेड टू पी साइड, ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ को इंजेक्ट हो रहे हैं, देखो नेगेटिव साइन है यहां पर, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, इस तरफ को इंजेक्ट हो रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट हो रहे हैं टू द पी साइड ऑफ द जंक्शन डायोड, दे फॉल फ्रॉम कंडक्शन बैंड टू वैलेंस बैंड। जो इलेक्ट्रॉन जो है इंजेक्ट हो रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, दे फॉल फ्रॉम कंडक्शन बैंड टू वैलेंस बैंड। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको ये बात पता चल गई उसको सारा कुछ पता चल गया। मैंने क्या बोला कि यहां पर जब फॉरवर्ड बायस करोगे तो होल्स इस तरफ को जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इस तरफ को जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो जब इस तरफ को आ रहे हैं, इसका मतलब दे फॉल फ्रॉम कंडक्शन बैंड टू वैलेंस बैंड, क्योंकि हाई एनर्जी स्टेट टू लो एनर्जी स्टेट आ रहे हैं, ठीक है कि नहीं। जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो हाई एनर्जी स्टेट टू लो एनर्जी स्टेट आ रहे हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इंजेक्टेड टू पी साइड ऑफ द जंक्शन डायोड, दे फॉल फ्रॉम कंडक्शन बैंड टू बैलेंस बैंड एंड रिकम्बाइन विद द होल्स इन द बैलेंस बैंड, क्योंकि बैलेंस बैंड में होल्स होते हैं। ये तो आपको पता है ना कि होल्स जो होते हैं वो बैलेंस बैंड में होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें जाके कंबाइन कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन बैंड से बैलेंस बैंड में आ रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड से बैलेंस बैंड में आ रहे हैं और वहां पर जाके वो रिकम्बाइन कर रहे हैं, तो दैट इज इक्वलेंट टू जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हाई एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाए। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में फॉल करता है, तो सभी को पता है कि वहां से क्या निकलती हैं, रेडिएशंस निकलती हैं, लाइट एनर्जी निकलती है। इज दैट क्लियर? तो एनर्जी इज रिलीज्ड इन द प्रोसेस ऑफ रिकम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल इन द फॉर्म ऑफ विजिबल लाइट, राइट? क्लियर है, समझ आई? तो ध्यान से सुना, मैं एक बार फिर से इसकी वर्किंग बता रहा हूं कि हमारे पास जो पीएन जंक्शन डायोड है, जब हम उसको फॉरवर्ड बायस करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे इंजेक्टेड टू पी साइड ऑफ द जंक्शन, दे फॉल फ्रॉम कंडक्शन बैंड टू बैलेंस बैंड, राइट? वो कहां से कहां फॉल कर रहे हैं, कंडक्शन बैंड से बैलेंस बैंड में फॉल कर रहे हैं और वहां पर रिकम्बाइन हो रहे हैं, और जैसे रिकम्बाइन हो रहे हैं, राइट, तो वहां पर क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। दैट इज इक्वलेंट टू कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हायर एनर्जी स्टेट, हायर एनर्जी स्टेट मतलब कंडक्शन बैंड, उससे फॉल कर रहे हैं किसमें, लोअर एनर्जी स्टेट में, दैट इज बैलेंस बैंड, तो एनर्जी रिलीज होती है। इन दिस प्रोसेस एनर्जी इज रिलीज, राइट? कि जैसे वो रिकम्बाइन करेंगे, इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में जब फॉल करते हैं, मतलब हाई एनर्जी स्टेट लो एनर्जी स्टेट में जाके जब वो कंबाइन करते हैं, तो इन दिस प्रोसेस ऑफ रिकम्बिनेशन द इलेक्ट्रॉन, इन दिस प्रोसेस ऑफ रिकम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल, जो एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ विजिबल लाइट, राइट? क्लियर है? तो जो एनर्जी ऑफ फोटोन है, आपको पता है एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी है, ये समझ आ गया प्रोसेस? एनर्जी ऑफ फोटोन आपको पता है कि ई किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू एच न्यू। ई किसके बराबर होता है बेटा, दैट इज इक्वल टू एच न्यू।
राइट, वेयर एज द ईजी क्या है, व्हाट इज ईजी, ई एच एन यू है, ईजी क्या है, दैट इज द एनर्जी गैप, किसमें, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, ईजी क्या है, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में क्या है, दैट इज द एनर्जी गैप, राइट। तो जो एनर्जी ऑफ फोटोन होती है और विजिबल लाइट, वो किसके बराबर होगी, ईजी इक्वल एच न्यू के बराबर। ये ई जो फोटोन की एनर्जी है वो किसके बराबर होगी, ईजी के बराबर, मतलब ईजी किसके बराबर है यहां पर, ई के बराबर, राइट। सो ईजी दैट इज इक्वल एच न्यू, न्यू क्या होता है, सी अपॉन, बताओ न्यू किसके बराबर होता है, सी अपॉन लैम्डा, लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। यहां से आप लैम्डा की वैल्यू निकाल लो, कितनी आ गई, किसके बराबर आ गई, लैम्डा इज इक्वल टू एच सी अपॉन ई जी, एच सी अपॉन ई जी, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता है, पता है प्लैंक्स कांस्टेंट वैल्यू, और सी वेलोसिटी ऑफ लाइट आपको पता है। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास फार्मूला बनता है 1242 अपॉन ई जी नैनोमीटर, दिस इज द फार्मूला फॉर वेवलेंथ, 1242 अपॉन ई जी नैनोमीटर, ये आपने याद रखना है, ठीक है, क्लियर, समझ आ गई। अब एडवांटेजेस क्या है इसकी, एलईडी की, ये समझ आ गई सारे, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये, एलईडी की एडवांटेजेस, एडवांटेजेस इसको ध्यान से सुनना है, छोटा सा टॉपिक मैंने आपको बताया ना, टॉपिक छोटा सा है, एलईडी इसकी एडवांटेजेस, एडवांटेजेस क्या है इसके, नंबर वन क्या एडवांटेज है इसकी, कि जो लाइट एमिटिंग डायोड है दे आर इजी टू मैन्युफैक्चर, इजी टू मैन्युफैक्चर। नंबर टू एडवांटेज इसकी आती है, लो कॉस्ट, ज्यादा महंगे नहीं होते, आपने देखा होगा एलईडी जो है ज्यादा महंगे नहीं होते, एलईडी लो कॉस्ट डायोड्स होते हैं, ठीक है। और एलईडी जो है दैट वर्क्स एट लोअर वोल्टेज, वर्क्स एट लोअर वोल्टेज, मतलब कम वोल्टेज भी है तो भी चलेगी, अदरवाइज हमारी क्या होते हैं बल्ब पहले फ्यूज हो जाते हैं, अब एलईडी बल्ब आ रहे, राइट। इट कंज्यूम वेरी लेस पावर, कंज्यूम वेरी लेस पावर, बिजली का बिल कम आता है, ऐसे ही है ना, इट कंज्यूम वेरी लेस पावर। उसके बाद दे हैव लॉन्गर लाइफ, जल्दी खराब नहीं होती है एलईडी बल्ब्स, लॉन्गर लाइफ, राइट। अब इनकी लॉन्गर लाइफ है, दे आर यूज एज ब्लिंकर्स, ब्लिंकर्स देखा आपने, दे आर यूज एज ब्लिंकर्स, ब्लिंकर्स देखा होगा आपने, शादी में लगे होते हैं उसको बोलते हैं ब्लिंकर्स, वो चमकती रहती है, दिवाली में आपने देखना होगा तो उसको ब्लिंकर्स बोलते हैं, बी एल आई एन के ई आर एस, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ब्लिंकर्स यहाँ पर लिखूँ, दे आर यूज एज ब्लिंकर्स, ओके राइट, ब्लिंकर्स की तरह यूज होते हैं। इनमें कोई भी वार्म अप टाइम नहीं होता, नो वार्म अप टाइम, नो वार्म अप टाइम, मतलब ये नहीं है कि धीरे धीरे जगेगी पहले वार्म होगी, कोई भी वार्म अप टाइम इसमें नहीं होता। एंड दे एमिट मोनोक्रोमेटिक क्रोमेटिक लाइट एज वेल एज व्हाइट लाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोनोक्रोमेटिक लाइट भी एमिट कर सकती है ये, मोनोक्रोमेटिक लाइट और एमिट्स कर देना, ठीक है, ये मोनोक्रोमेटिक लाइट एमिट करती है एज वेल एज व्हाइट लाइट भी एमिट करती है, ठीक है, दोनों मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होती है, लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ, ये मोनोक्रोमेटिक लाइट को भी एमिट कर सकती है और व्हाइट लाइट को भी क्या कर सकती है, एमिट कर सकती है। दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ एलईडी, और बहुत सारी हैं लेकिन 6-7-8 मैंने आपको बता दी, ठीक है, क्लियर। उसके बाद आ गए हमारे पास इसके यूजेस, यूजेस ऑफ लाइट, ये नोट कर लिया आपने, ओके वेरी गुड, यूजेस ऑफ लाइट एमिटिंग डायोड, ये इनकी यूजेस भी आते हैं, उनके एडवांटेजेस भी आती है, राइट। जब ये टॉपिक आता है तो फ्री के नंबर होते हैं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि इसको ध्यान से करना है। यूजेस, पहला यूज क्या है इसका, पता है आपको, ठीक है, दे आर वाइडली यूज इन सीडी प्लेयर्स, सीडी प्लेयर में यूज होते हैं, पता है सीडी प्लेयर आपके पास, लेजर प्रिंटर में यूज होती है ये, लेजर प्रिंटर, दे आर यूज्ड इन
लेजर प्रिंटर्स, ठीक है, दे आर यूज्ड इन सीडी प्लेयर्स, लेजर प्रिंटर्स, रिमोट कंट्रोल, उसमें यूज होते हैं, रिमोट कंट्रोल में, ठीक है, क्लियर, दे आर यूज्ड इन सीडी प्लेयर्स, लेजर प्रिंटर, रिमोट कंट्रोल, राइट, जो रिमोट कंट्रोल डिवाइसेस होती हैं उसमें यूज होते हैं, और दे आर यूज्ड एज इंडिकेटर लैंप्स, दे आर यूज्ड एज इंडिकेटर लैंप्स, इंडिकेटर लैंप्स में भी क्या होती हैं, ये यूज होती हैं, राइट, डिजिटल डिस्प्ले इन वॉचेस, दे आर यूज्ड इन डिजिटल डिस्प्ले, डिजिटल डिस्प्ले इन वॉचेस, राइट, आपने देखा ना डिजिटल डिस्प्ले होता है वॉचेस में, वो एलईडी का नहीं होता है, राइट, क्लियर, कैलकुलेटर में, कैलकुलेटर में भी ये यूज होती हैं एलईडीज, बहुत सारी यूजेस हैं, राइट, मैं आपको बहुत सारे लिखा रहा हूँ यहाँ पे, राइट, दे आर यूज्ड इन रिमोट कंट्रोल, दे आर यूज्ड इन ब्लिंकर्स, डेकोरेटिंग लाइट्स, ब्लिंकर्स मैंने आपको पहले बता दिया, ब्लिंकर्स में, डेकोरेटिंग लाइट्स में ये यूज होते हैं, जो डेकोरेट करते हैं हम, उसमें हमारे पास ये एलईडी यूज होती है, बहुत सारे यूजेस हैं जितने भी आपको आते हैं, नाइट लैम्प, फ्लैश लैम्प, टॉर्च लैम्प, यहाँ पर लिख देता हूँ, नाइट लैम्प्स, फ्लैश लैम्प्स, राइट, टॉर्च लैम्प्स, उसमें क्या होते हैं ये यूज होते हैं, ओके, सो ये सारे के सारे जो हैं, दीज आर द यूजेस ऑफ लाइट मीटिंग डायोड, तो लाइट मीटिंग डायोड की डेफिनेशन, उसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, उसकी वर्किंग, राइट, डायग्राम अगर आपने बनाया तो डायग्राम भी मैं आपको बना देता हूँ, ये इसके यूजेस हैं, ये सारा आएगा आपको तीन नंबर का आ जाता है, कई बार दो नंबर का आ जाता है, या इसमें से कुछ एक क्वेश्चन एक एक नंबर के आ जाते हैं, तो अगर आपने इसका डायग्राम बनाना है तो वैसे बना के रखना है तो ऐसे बना देना है, ठीक है, क्लियर, ध्यान से सुनना, हमारे पास ये, हमारे पास इस तरफ को होगा पॉजिटिव और इस तरफ को हमारे पास क्या होगा नेगेटिव, और हमारे पास क्या होता है लाइट इमिटिंग होती है, विजिबल लाइट इमिट होती है, आपने यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ पर भी कर देना है, और यहाँ से ऐसे जब रिकम्बिनेशन होगा ना तो क्या होगा लाइट इमिट, ये ठीक है, क्लियर, आपने ऐसे डायग्राम बना देनी है कि विजिबल लाइट जो है वो इमिट हो रही है, क्लियर, नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ पर भी नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पर आपने लिख देना है विजिबल लाइट, ये पी टाइप है और ये क्या है एन टाइप, तो डायग्राम बना देना, ठीक है, ऐसा डायग्राम बना के दो नंबर जितने भी आपको मिलते हैं वो ले लेने हैं, ओके, क्लियर, तो ये हमारे पास क्या है डायग्राम, आप डायग्राम भी उसकी क्या कर सकते हो बना सकते, क्लियर, एक बात आपने याद रखनी है कि जो एलईडी है डैट गिव्स नॉन कोहरेंट लाइट, मतलब लाइट हैविंग मैनी फेज डिफरेंसेस मे बी फ्रॉम 0 to 360, एलईडी में जो लाइट मिट हो रही है डैट गिव्स नॉन कोहरेंट लाइट, नॉन कोहरेंट का मतलब क्या होता है कि उसमें फेज डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है 0 से लेकर 360 तक, ठीक है, इनको सेमी कंडक्टर लेजर भी बोलते हैं, एलईडी को क्या बोलते हैं सेमीकंडक्टर लेजर, याद रखना है, आपने बोला कि सर ने बताया ही नहीं कि सेमीकंडक्टर लेजर्स क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर्स लेजर जो एलईडी होती हैं उनको सेमीकंडक्टर लेजर्स भी बोलते हैं, ठीक है, तो सेमीकंडक्टर लेजर्स हैं, और लेजर लाइट जो है दैट कैन बी ऑफ विजुअल कलर और इनविजिबल, मतलब वो विजिबल भी है और इनविजिबल भी हो सकती है, एलईडी की लाइट इनविजिबल कब होगी जब इंफ्रारेड रेज हम यूज करेंगे, विजिबल भी हो सकती है लाइट इसकी और इनविजिबल भी हो सकती है, इस बात को याद रख, इनविजिबल कब, जब ये इंफ्रारेड रेज जो है वो क्या करती है एमिट करती है, तो ये इनविजिबल जो है वो लाइट को एमिट कर रही है, विजिबल का मतलब आपको तो पता ही है विबग्योर, ठीक है, क्लियर है, समझ आ गई, इसमें कोई डाउट बेटा, तो अब हमारे पास रह गया इसके बाद सोलर सेल, तो सोलर सेल जब हम करेंगे, सोलर सेल को फोटोवोल्टाइक सेल भी बोलते हैं, तो इसके बाद जो आपका नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो सोलर सेल के ऊपर आएगा, राइट, दोनों आप पहले करोगे, अदरवाइज जब आप सोलर सेल पढ़ोगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैंने आपको पहले क्या बताया, सबसे पहले मैंने आपको जो
फोटो डायोड बताया है उससे बाद मैंने एलईडी बताया, वो रिवर्स बायस में यूज़ होता था, एलईडी फॉरवर्ड बायस में यूज़ हो रहा है, ठीक है। इन दोनों की वर्किंग को आपने ध्यान से देखना है। और जब मैं आपको सोलर सेल की वर्किंग कराऊंगा तो सोलर सेल की वर्किंग फिर आपके दिमाग में ईजिली आ जाएगी। थोड़ी सी टिपिकल है, इतनी ज़्यादा भी नहीं, बट इन दोनों से ज़्यादा टिपिकल नहीं है, तो इसका मतलब बहुत ही सिंपल होगा वो भी। तो नेक्स्ट लेक्चर आपका होगा सोलर सेल का, तो उससे पहले आपने ये दोनों कर लेने। ओके देन बेटा, गुड बाय।